हाँ जी लास्ट टाइम आप क्वेश्चन किया अल्काइल हैलाइड्स ऑल्दो पोलर येट इनसोलबल इन वाटर बॉय तो यदा आंसर आप वैसे कर लिया दोबारा रिपीट कर लगे टू डिजोल्व हैलो एल्केन इन वाटर जी आप हैलो एल्केन्स को पानी च डिजोल्व करना है तो एनर्जी इज रिक्वायर टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हैलो एल्केन मॉलीक्यूल्स एंड ब्रेक द एच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलीक्यूल्स तो आपको एनर्जी चाहिए है पुराने बॉन्ड तोड़ने केड़े केड़े अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड तो जेडे अपने को हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए वाटर से वेन न्यू अट्रैक्शन आर सैटअप जो नवे बॉन्ड बनते हैं बिटवीन द हैलो एल्केन्स एंड वाटर ठीक है लैस एनर्जी इज रिलीज तो नवे बॉन्ड बन के एनर्जी घट रिलीज होंगी है बिकॉज दीज बॉन्ड्स आर नॉट एज स्ट्रोंग एज ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर क्योंकि नवे बॉन्ड उन्ने स्ट्रोंग नहीं होंगे जिन्ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर वाटर मॉलीक्यूल ज्यादा स्ट्रोंग ने तो एनर्जी तोड़न वे ज्यादा लग जाती है बनने वे घट रिलीज होंगी दस द सोलबिलिटी ऑफ हैलो एल्केन इन वाटर इज लो तो अल्काइल हैलाइड है जो सोलबल कि ऑरगेनिक सॉल्वेंट बिकॉज न्यू अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्सिज बिटवीन Between haloalkanes and the solvent molecule have much same strength as in the separate haloalkanes and solvents. तो इधर मतलब क्या हो गया organic जड़े alkyl halides में organic compounds तो बढ़िया soluble है water की ने less soluble. ठीक है next जगह density. Density क्या देखो density is equal to mass upon volume होता है with increasing size of the alkyl group density goes on decreasing. Obviously size बढ़ रहा है volume बढ़ गया volume बढ़ना density की होगी decrease करोगी with increasing size of alkyl विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलाइड डेंसिटी विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलाइड डेंसिटी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन अटोमिक मास तो जिमें जिमें हैलाइड का साइज बढ़ी जा रहा है मास बढ़ रहा है मास बढ़ने डेंसिटी की करूँगी इंक्रीज करूँ डेंसिटी इंक्रीज इन द ऑर्डर तो तुम देखो अल्काइल हैलाइड अल्काइल आयोडाइड अल्काइल ब्रोमाइड वाटर अल्काइल क्लोराइड ते अल्काइल क्लोराइड इन्हों सारे देखो आर आर ग्रुप तो सेम आ रहा फर्क कि आ वाले ग्रुप च आई आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन ते फ्लोरीन तो तुसी देखो यदा साइज बड़ा बट यदा ना मास ज़्यादा बड़ा होने करके डेंसिटी की है ज़्यादा मास पर यूनिट वॉल्यूम कि होगा यदा ज़्यादा होगा तो डेंसिटी की होगी अल्काइल आयोडाइड की सब तो ज़्यादा हो फिर ब्रोमाइड की उस तो बाद वाटर की आँदी है फिर क्लोराइड की फिर सब तो घट फ्लोराइड नेक्स्ट टॉपिक है गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉयलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बॉयलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट या फिर साइज जिन्ना जो बड़ा साइज होंगे उन्ना ज़्यादा वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन होंगे उन्ना मेल्टिंग पॉइंट बॉयलिंग पॉइंट की होगा ज़्यादा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ साइड चेंज जिन्ना नंबर ऑफ साइड चेंज ज़्यादा होंगी उन्ना मेल्टिंग पॉइंट बॉयलिंग पॉइंट लो ठीक है तो तुम देखो जिमें आर आई अल्काइल आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड फ्लोराइड तो ये देखो मोलीकुलर वेट है जो मोलीकुलर साइज है वह की हो जा रहा है डिक्रीज हो रहा है यदा सब तो ज़्यादा बड़ा साइज है वंडरवॉल इंट्रैक्शन सब तो ज़्यादा होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब तो ज़्यादा एवं तुम देखो वन डिग्री अल्काइल हैलाइड टू डिग्री अल्काइल हैलाइड थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड वन डिग्री जिम्मे सी एच थ्री सी एच टू एक्स एक कार्बन अगर एक ना लगे वन डिग्री हो गया वाला फिर अगर दो कार्बन ना लग जाए टू डिग्री फिर थ्री डिग्री तो देखो ये की हो रही है नंबर ऑफ साइड चेंज जो कह दो ब्रांचिंग की हो रही है बढ़ रही है ब्रांचिंग बढ़ रही है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की हो रहा है डिक्रीज कर जा रहे तो थ्री डिग्री के देखो सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री एक्स इनू तुम नंबर ऑफ साइड चेंज भी कह सकते हो ब्रांचिंग भी कह सकते हो वधन नाल की हो रहा है देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो हो रहा है क्योंकि सरफेस एरिया घटी जा रहा है साइज घटी जा रहा है साइज घटने नाल आपां कीता साइज घट रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट की भी घटूगा तो इसमें साइज के की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ साइड चेंज या फिर तुम ब्रांचिंग के हिसाब से कह सकते हो कि है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिम्मे तुम एग्जाम्पल दो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरो ब्रोमो आइडो कंपाउंड इनक्रीज विद इनक्रीज इन नंबर ऑफ हैलोजन एटम देखो नंबर ऑफ हैलोजन एटम की हो जा रहे हैं इनक्रीज कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की हो रहे बढ़ जा रहे हैं ठीक है तो नेक्स्ट है फॉर द सेम हैलोजन एटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप वाले देखो अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ी जा रहा है देखो सी एच थ्री सी एच आवला ग्रुप ए वाले ग्रुप में तुम आई खोल के लिखना है देखो सी एच टू सी एल नेक्स्ट वाले लिखना सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल देखो साइज आ देखो एवं साइज इतना फिर एडा फिर ऐसे बढ़ी जा रहा ना तो वंडरवॉल इंट्रैक्शन बढ़ रही ने तो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की हो रहा है इंक्रीज हो रहा है नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद ब्रांचिंग ए वाला पॉइंट मैं तुम्हें इतनी समझाता भी ब्रांचिंग के नाल की हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट जिम्मे जिम्मे ब्रांचिंग बढ़ी जा रही है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की कर रहा है डिक्रीज कर रहा है क्योंकि साइज की हो रहा है छोटा हो रहा है सर्फेस एरिया की हो रहा है डिक्रीज कर रहा है साइज छोटा है मॉलिकुलर साइज घट रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की करूगा डिक्रीज करूगा आवला पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आप इतने कर
नेक्स्ट अगेन अल्काइल हैलाइड कंपाउंड्स आर जनरली पोलर पोलर होंगे ड्यू टू पोलैरिटी हायर मॉलिक्यूलर मास देन पेरेंट अल्काइल हैलाइड कंपाउंड्स आर जनरली पोलर अल्काइल हैलाइड कंपाउंड की हमने पोलर है या पीछे भी करे ड्यू टू पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास पोलैरिटी भी होंगी मॉलिक्यूलर मास भी होंगे दैन पेरेंट हाइड्रोकार्बन जिमें आप मिथेन लिया सी जो आप एक ग्रुप में बदल दीए ठीक है तो की होगा इन आप की कह सकते हैं इन्हों का मोलीकुलर मास भी ज्यादा होंगे तो इन्हों की पोलैरिटी भी ज्यादा होंगी है इंटरमोलीकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग होंगे ने ओबियस है ये कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हैलोजन ग्रुप है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलीमेंट होंगे ओबियस पोलैरिटी होंगी है तो ओबियस इंटरमोलीकुलर फोर्सिज ऑफ इंट्रैक्शन भी की होंगे ज्यादा होंगे दस दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दैन पेरेंट हाइड्रोकार्बन तो जिमें मान लो आप पेरेंट हाइड्रोकार्बन है यू बनाइए तो यदिया इंटरमोलीकुलर फोर्सिज ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा ने ठीक है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की होगा ज्यादा होगा फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फॉलोज द ऑर्डर फिर नेक्स्ट अगर आ समझ आया तो यह कर लो दिस इज बिकॉज विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ हैलोजन हैलोजन एटम का साइज की हो जा रहा है इंक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड वॉल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है मतलब की हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन द ऑर्डर तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट की करूंगा इंक्रीज समझ आ गया।